ओनली फोर टिकट थे, नहीं ओनली फोर टिकट थे। आर्मी वाले आ गए थे लड़ाई करने लग। तो फिलहाल मैं आया हूँ लालबाग किले के लिए, जो कि ये है अभी फिलहाल। मेन गेट से जा रहा हूँ मैं अभी निकल गए, और ये है मेरे को हॉरर हाउस दिखा कुछ वहाँ से। देखो गेट किस तरह बना हुआ। तो बराबर की सिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं फिलहाल, अभी लालबाग के अंदर देखता हूँ। उस वाले गेट से गया था तो वो गेट बंद था, तो आगे से मैं एंटर हो रहा हूँ फिलहाल, आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो फिलहाल गाइस बात हो गई है मेरी, वो गेट है वहाँ पर 100 रुपीस जो इंडियन चार्ज था वो था देखने के लिए, लेकिन वीडियोग्राफी अलाउ करने के लिए मना कर रहे थे। काफ़ी देर तक मेरी बात होती रही उनसे, तो उन्होंने अलाउ नहीं करा कि आप मोबाइल ले जा सकते हो लेकिन कैमरा नहीं ले जा सकते। तो मैंने आपको वीडियो दिखाना, वीडियो बन नहीं रही है, तो मैंने बोला कि होटल वगैरह ले कर रुक जाता हूँ, सामान रख कर आ जाता हूँ, दोबारा देखने के लिए आ जाऊँगा। तो अभी के लिए फिलहाल जो है कैंसिल हो चुका है प्लान, और वो बनाने भी नहीं देंगे वीडियो, तो इसलिए मैं ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये है मेन गेट यहाँ पर अभी, तो ये जा रहा, ये था काउंटर, मैंने अंकल जी से बात करी थी, उन्हें अच्छे से हिंदी भी आती थी, और ये है मेन गेट अंदर जाने का, बट जब उन्होंने वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करी तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो टिकट फेयर ये लगा हुआ है फॉरनर का 200 रुपये, फॉरनर सार कंट्री जो है 100 रुपीस। तो चलिए, ओनली फॉर टिकट फेयर, ओके ओके थैंक यू। तो चलते हैं, नहीं नहीं ओनली फॉर टिकट फेयर। तो आर्मी वाले आ गए थे लड़ाई करने लगे, कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्वा सब कुछ नहीं होने का, चला भाई इसलिए आ गया मैंने कल के। तो मेन भाई इसको अभी कैंसिल करने का जो है प्लान वो ये है कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। मैंने बाहर से काफ़ी कुछ देख लिया, अंदर जाके प्लान बनेगा, चला जाऊंगा अंदर, ज़्यादा नहीं 100 रुपये चार्ज तो मेरे लगेंगे। सार्क कंट्री मेरे को बोलते हैं, मतलब आसपास की कंट्री, जैसे हम हो गए इंडियंस, और अगर अमेरिका दुबई से कोई आ रहा है उस साइड से तो उनके लिए 200 चार्ज होगा। यही सारा टिकट का फेयर है यहाँ का, लालबाग का भी, बांग्लादेश ढाका के अंदर जो है। तो फिलहाल अभी हर जगह पता कर लिया, लेकिन पासपोर्ट पे सिम नहीं मिल रहा है। अंकल जी ने सजेस्ट करी एक ताज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब ब्लॉग बनाता हूँ यूट्यूबर। तो चलिए फिलहाल अभी ट्राई करते हैं, यहाँ से तो नई बात बन रही है, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा यहाँ पर पासपोर्ट पे सिम। तो अभी मैं सामने जा कर ट्राई करता हूँ। चलिए करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई टूरिस्ट एंड आई वांट टू न्यू सिम कार्ड, बट आई डी प्रूफ ओनली पासपोर्ट एंड लोकल आधार कार्ड इंडियन। हैव यू योर पासपोर्ट? या नाउ जी, तो पता करते हैं, अभी मिल जाएगा था आई एम ओनली फॉर विजिटिंग वन मंथ, वन मंथ टू मंथ। या ओके। तो चलिए फिलहाल बात होगी, अभी पासपोर्ट की कॉपी देता हूँ मैं सर। तो चलिए फाइनली जो है अपना सिम हो चुका है एक्टिवेट, बांग्ला लिंक सिम मैंने लिया है और सर ने लिया है पासपोर्ट पे। थैंक यू सर। तो मेरे को सर ने दिया है पासपोर्ट पे, और पासपोर्ट मेरे को आसानी से मिल चुका है। तो चलिए, मेरा उन्होंने वीज़ा की कॉपी लिया, और काफ़ी देर तक उन्होंने बातचीत करी, लेकिन फाइनली जो है पासपोर्ट में मेरे को सिम दे दिया उन्होंने। सिम मेरे को पड़ा है 322, मतलब 320 रुपये का। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया दक्षमेरी टेम्पल और बांग्लादेश संसद भवन, ठीक है, और इसके अलावा फोर्ट दिखा दिया है। तो अब आगे चलते हैं, मैं कहीं पर होटल वगैरह फाइंड करता हूँ अब इंटरनेट के द्वारा, और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। इस ब्लॉग में बस यही 3 जगहें आपको मैंने दिखाई हैं आज के लिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी देखते हैं कोई होटल नियर बाय, क्योंकि इंटरनेट काम कर गया था भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और ये है लोकल ढाका शहर का मार्केट, चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।